ये देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे वहीं हरियाली ही हरियाली आप सभी को दिखेंगी। और ये अरहर की खेती है, अभी जो है फूल लगे हुए हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे जितने नए भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाइयों और बहनों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो है हमारी एक दीदी थी जिन्होंने हमको कमेंट किया था कि तुम हाथ मटका मटका के कम बात किया करो, बस इतना ही दीदी ने लिखा था वीडियो में कमेंट में। तो दीदी से कहना चाहेंगे कि दीदी जी माफ़ कीजिएगा, हमारी जो है आदत ही है हाथ इधर उधर हिल ही जाते हैं। तो आज हम आप सभी को मशरूम की सब्ज़ी बना के दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा हमने सोचा आप सभी को घर के बाहर के लोकेशन दिखा देते हैं, आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। बाहर का लोकेशन कुछ इस तरीके से है, ये देखिए अरहर के खेत हरे भरे। तो अब हम मशरूम को बनाते हैं। और कल जो है हमने आप सभी को से कल बातें कर ली थी, तो हमने सोचा सुबह बना के दिखाएंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने अभी देखा ना वो हम कल उसको बेटियों को शूट किए थे और शाम को नहीं बनाए थे, तो इस समय बनाएंगे। ये देखिए हमने मशरूम मंगाया है, हमारे यहाँ के गांव में बाज़ार लगती है ना, तो बाज़ार में ये मिल जाता है। और इसको हम काट के जो है पहले धुल लेंगे, फिर इसको काट के उबलने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए हमने जो है मशरूम को काट के रख लिया है। और हमारी माही जब इसको देखी थी ना पैकेट में बंधा हुआ जब आया था ये, तो माही कह रही थी मम्मी ये कुकुरमुत्ता कह रही थी मम्मी ये कुकुरमुत्ता है। हमारे यहाँ जो गांव की दीदी लोग होंगे भाई लोग उनको पता होगा, ये बारिश के सीजन में ना वो छतरी टाइप का बिल्कुल ऐसे ही निकलता है, लेकिन जब छोटा होता है तो इतना ही बड़ा होता है, बड़ा होके छतरी तरह हो जाता है, नीचे बिल्कुल छाता की तरह नीचे की ओर जो है झुक जाता है, तो बच्चे उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। हम लोग भी छोटे थे तो यही बोलते थे, और उसको क्या कहते हैं हम ये नहीं जानते। तो हम लोग कभी घूर पे, कभी जहाँ घास होती है वहाँ, इन सब चीज़ों पे निकला रहता है बारिश में, तो उसको सब लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो माई कह रही मम्मी ये कुकुरमुत्ता क्या करोगे, इसका सब्जी बनाओगी, हम नहीं खाएंगे सब्जी ऐसे कह रही थी। तो हमने कहा नहीं बेटा ये मशरूम है, इसकी सब्जी बनती है, तो कहीं अच्छा ठीक है। अब हम इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे उबलने के लिए, और इसमें हम मटर भी डालेंगे। ये देखिए मटर हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है, और ये इधर हमने दूध उबाल के रखा हुआ है। ये देखिए हमने टमाटर लिया है, इसको पीसेंगे, पूरा नहीं पीसेंगे, इसमें से दो या तीन ही पीसेंगे। और टमाटर का ना हमको मीठी वाली चटनी बनानी है, इसीलिए हमने इसको लाल होने के लिए रखा है अभी, तो बनाएंगे तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और ये हमने लिया है लहसुन और प्याज, इसको भी छील के हम इन दोनों को पीस लेते हैं पहले, जब तक हमारा मशरूम जो है उबल रहा है। और हमने ये अदरक भी ली हुई है, लहसुन अदरक और प्याज। और ये देखिए हमने गरम मसाला लिया हुआ है, हमारे यहाँ जो है गरम मसाला 10 रुपये की इतनी बड़ी पैकेट मिलती है। ये देखिए हमने लहसुन और अदरक लिया हुआ है, इसको पीस लेते हैं पहले पानी डाल के। लहसुन को हमने पीस के रख लिया है, अब हम गरम मसाला पीस लेते हैं, इसमें भी पानी डाल के पीस लेंगे। कढ़ाही हमने रख दिया है गरम होने के लिए, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। ये देखिए मशरूम को हमने उबाल लिया है और तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा हम इसको तेल में डालकर तलेंगे। तो हमने इसको तल लिया है थोड़ी देर के लिए, निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमने इसको तल लिया है। अब हम इस तेल में डालेंगे जीरा। क्या खाओगी? पूड़ी? ऐसे नहीं बोलते। जीरा हो गया, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये देखिए नैन्सी हमारी क्या खा रही है, बता दो भैया। क्या खा रही हो? शहद खा रही है। ये मीठा है? सबको खिलाओगी? नहीं खिलाओगी, अकेले खा जाओगी? अच्छा, पूरा अकेले खा जाएंगी आप सभी को नहीं खिलाएंगे। क्या हुआ? साथ में पूरा खा जाओगी। अच्छा, एक सांस में पूरा खा जाएंगी, इनके कहने का मतलब ये है। ये देखिए प्याज हमारा लाल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का बना हुआ पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो हमने सिलौटी पे पीसी थी। ये देखिए हमारा गरम मसाला भी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। ये देखिए हमारा टमाटर भी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तली हुई अपनी मशरूम। अब हम इसमें डालेंगे मटर। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे। पिसी हुई मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे इसको। थोड़ी देर इसको भी भूनेंगे। इसको हमने थोड़ी देर भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अब हम इसमें एक पुड़िया ऑरेंज मसाला डाल देंगे। मटर हमारी हो जाएगी तो हम सब्जी को बंद कर देंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है, अभी हम इसमें डाल देते हैं धनिया। इसको हमने धो के काट लिया है और इसको मिला देते हैं। बस सब्जी को हमने बना लिया है तो सब्जी हमारी बन गई है और हम सब लोगों ने खा लिया है। बर्तन को हमने इकट्ठे करके रख दिया है, अभी धोना है। देखिए हमारा बाबू उठ गया है, बाबू छपछे बोल दो, भाई। ओली बोले मुँह का क्या हालत कर लिया मम्मी के, मुँह को क्यों कर लिया भैया बाबू। देखिए बर्तन को हमने इकट्ठा करके रख दिया है, अब इसको जो है ले चलते हैं, अभी धोते हैं। और धूप बाहर बहुत अच्छी निकली है, थोड़ा सा अभी धूप में भी हम बैठेंगे, दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। और ये दादी हैं, लेटी हुई हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। और जो है कल हमने आप सभी को बताया था कि ना कि एक भाई है जो हमें इंस्टा पे परेशान करते हैं, तो आप सभी ने कल की वीडियो में हमारा इतना साथ दिया, हमारा सपोर्ट दिया, आप सभी ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। एक दीदी है जिनका नाम है हिमाचली व्लॉगर कृष्णा, तो दीदी ने हमको जो है इंस्टा पे कायदे से समझाया बताया। उन्होंने हमको कहा कि आप उनकी आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, हमको नहीं आती थी
इंस्टा पे, लेकिन हमने सोचा था कि हम यूट्यूब पे सर्च करके सीखेंगे, तो उन दीदी ने हमें पहले ही बता दिया। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से बताया, हमने तुरंत ही उनकी आईडी को जो है ब्लॉक कर दिया है। और जो है दीदी का तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहेंगे, कृष्णा दीदी आपको दिल से धन्यवाद, और आप बहुत अच्छी हैं, इतने अच्छे से बात करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारी दो तीन दीदियां हैं जिन्होंने कहा था कि दीदी हमारा नाम ले लीजिएगा, तो हम उनका नाम लेना चाहते हैं दोस्तों। हमारी एक दीदी हैं जिनका नाम है जी आर अनन्या, और हमारी एक और दीदी हैं जिनका नाम है रोहित रानी लाइफ स्टाइल, एक हमारी और दीदी हैं जिनका नाम है पूनम पांडे, एक हमारी और दीदी हैं जिनका नाम है सीमा फूड ब्लॉग, एक हमारी और दीदी हैं जिनका नाम है इंडियन अन्नू, एक हमारी और दीदी हैं जिनका नाम है सोनीस किचन। तो दीदी जी आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों अब हम इसी के साथ आप सभी को अपने कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।